नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। और ईवीएम को लेकर के अब एक और नया सवाल खड़ा हो गया है। ये सवाल उठाया है झारखंड में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रघुवर दास के खिलाफ सरयू राय ने। सरयू राय ने कहा है कि ईवीएम हैकर्स ने अपना काम कर दिया है, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि चुनाव इससे प्रभावित होगा। इसके लिए उन्होंने कई सबूत दिया और कहा कि 30 विशेषज्ञों का, जो ईवीएम हैकर्स के रूप में जाने जाते हैं, वो भोपाल और बेंगलोर से आए थे, रांची और रांची के अलग अलग होटल में रुके थे, इसकी भी उन्हें पुख्ता सूचना है। उन्होंने ये भी कहा कि बेंगलोर से उनके मित्र ने इनकी जानकारी दी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इन खबरों का खंडन किया, लेकिन साथ ही साथ सहदेव जी का एक बयान आया और बयान के बाद में राजनीतिक हलकों में ये चर्चा हो शुरू हो गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैकर्स को बुलाई थी, क्या इससे चुनाव प्रभावित होगा। हम आपको ये बता दें कि ईवीएम को लेकर पहले से भी विवादों का नाता रहा है और प्रत्येक पार्टी हर वक्त ये बोलने से नहीं चूकती है कि ईवीएम के जगह पर पुराने मेथड से चुनाव होना चाहिए था, लेकिन ईवीएम को लेकर सरकार की ओर से दावा है कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी चूक नहीं होता है। जमशेदपुर पूर्वी में जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद पहले तो बैलेट बॉक्स को लेकर के समस्या सामने आई कि क्या ईवीएम बदली जा रही है। इसके बाद देर रात को 2 बजे कोऑपरेटिव कॉलेज में दूध की गाड़ी को लोगों ने चेक किया और उसमें भी आशंका जताई गई कि क्या ईवीएम को फिर बदल करने की कोई कोशिश की जा रही है। और इस बीच में चुनाव के दिन यानी कि 7 तारीख को जब मुख्यमंत्री चुनाव में वोट डालने के बाद सीधा कोडरमा चले गए, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि चुनाव जीत रहे हैं, तो कई चीजें सामने आने लगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सरयू राय ने ये चीजों को उठा दिया है कि ईवीएम हैकर्स अपना काम कर चुके हैं, आपको बताएंगे कि ईवीएम हैकर्स क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से एटीएम की क्लोनिंग होती है, जिस प्रकार से बैंक में फ्रॉडनेस होता है, उसी प्रकार से पहले भी दिल्ली में और कई दूसरे राज्यों में दावा हो चुका है कि ईवीएम हैकर्स होते हैं जो ईवीएम में खास तकनीक के द्वारा गड़बड़ी कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश चुनाव के समय में ये चैलेंज किया था कि ईवीएम को हैक करके कांग्रेस की पार्टी के लोग दिखाएं, लेकिन अब चीजें इसलिए झारखंड में ज्यादा सामने आ रही है क्योंकि इस वक्त में मुख्यमंत्री जो खुद चुनाव में है और उनके विरुद्ध उन्हीं के पूर्व कैबिनेट मंत्री सरयू राय मैदान में है। सरयू राय को खासा जनसमर्थन मिला, सरयू राय के साथ लोग जुड़ते चले गए, उनकी सभा में जिस प्रकार से भीड़ हो रही थी और चुनाव के बाद भी सर्वे का रिपोर्ट लगभग सभी चैनल का, हर अखबार का अंडरग्राउंड रिपोर्ट यही बताती है कि यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर है, 2-3 हजार के मार्जिन से कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सरयू राय का ये सवाल उठाना लाजमी बनता है क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं ईवीएम के माध्यम से चुनाव को प्रभावित न कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन के मामले पर आज सरयू राय ने जवाब दिया। सरयू राय ने ये कहा कि उन्हें ये बताया गया है कि वो भ्रष्टाचारी का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हेमंत सोरेन के बारे में एक बार जरूर उन्होंने टिप्पणी की थी और उसके बाद तथ्यों के आधार पर किया था, बाद में उन्हें उसकी व्याख्या मिल गई। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए हमने रघुवर सरकार के खिलाफ भी कई बार टिप्पणी किया, कई बार तथ्य रखा, लेकिन इसका सबूत अभी तक देने के बावजूद हमें इसका जवाब संतुष्टि के साथ नहीं मिला है। उन्हें टिकट काटा गया, इसका ज्यादा मलाल नहीं है, मलाल इसका है कि उन्हें अपमानित किया गया और जिस प्रकार से 3-3, 4-4 राउंड होल्ड पर रखा गया, उनका टिकट ग्राउंड नहीं बताया गया, इससे वो बहुत ज्यादा उनको निराशा हुई, अपमानित हुए और इसी अपमान के कारण उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा का सीट चुना। नहीं तो वो जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में अपनी तैयारी कर रहे थे, पूरे चुनाव की किए हुए थे, लेकिन अचानक से जब उन्हें अपमानित होना पड़ा तो उन्होंने पूर्वी का चुना और अब जनता उन्हें जिताएगी अथवा हराएगी, ये जनता के ऊपर है, लेकिन वो हर वक्त जनता के साथ में खड़ा रहेंगे। हमारे साथ